इंक्रीज व्हीकल स्पीड टू इंजन इसकी स्पीड रहती इसकी उसके बाद तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टार्ट करना तो जीरो से तो ही नहीं हो रहा अब अभी भी नहीं हो रहा 30 की स्पीड क्रॉस हो गई अभी भी नहीं हो रहा स्पीड को अप करना अब हो गया अब देखो लेंस को ग्रीन कर दिया उसने हाँ मतलब वो लेंस पर भी ध्यान रखेगा तो मेरी स्पीड में 36 पर लॉक किया है क्रूज कंट्रोल को और अब ये लेन को पकड़ कर चलने वाला है उस लेन में हाँ देखो खुद ही लिया उसने खुद ही लिया ये मेरे हाथ से नहीं चल रहा है लेन को उसने खुद ही लिया और आगे ट्रक खड़ा है अब वो ब्रेक मार लेगी खुद ही हाँ ओह माय गॉड वाओ खुद ही ब्रेक मार के गाड़ी ऑलमोस्ट रोक दी थी उसने बट मुझे रुकना नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी भी मैं एक्सेलरेटर नहीं दे रहा हूँ अब देना पड़ेगा ब्रेक मारना ठीक है तो अब वापिस एक्सेलरेटर दिया स्पीड बढ़ाई और एक क्रूज कंट्रोल मैंने शुरू कर दिया स्पीड बढ़ा के क्रूज कंट्रोल शुरू कर तो मजा ज्यादा आएगा ठीक है आपने ये मैंने किया अभी अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को मिनिमम स्पीड तो देनी पड़ेगी ना लेकिन कि कितनी स्पीड पर हम चलाना चाहते हैं 70-80 कर बढ़ाई स्लो कर लेंगे और अब ये किया मैंने हाँ सामने एक ट्रक चल रहा है छोड़ दो सब्जेक्ट स्टीयरिंग भी छोड़ दो ठीक है मैंने स्टीयरिंग भी छोड़ा और 90 की स्पीड पे गाड़ी है ब्रेक पेडल के पास मेरा पैर है लेकिन देख रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है क्या ये कर रही है शुरू कर दिया इसने ब्रेक करना बहुत दूर से ब्रेक करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मुझे डर नहीं लगा एंड मोमेंट पे करते और ये देखो लेन में उधर गाड़ी जाने वाली है तो वापस से लेके भी इधर आ गई ओह माय गुडनेस ओह माय गुडनेस तो जिन लोगों को फोन चलाते हुए चलने की आदत है गाड़ी में ये उनके लिए बनाया है एकदम लेन को प्रॉपर मेंटेन रखती है आपको अब देखो वो गाड़ी थोड़ी थोड़ी स्पीड से बढ़ी तो मेरी गाड़ी की स्पीड वापस ऊपर आई अब मुझे वो बोल रहा है कि बाद में हाथ वापस स्टीयरिंग पर रखो तो मैंने क्या करता हूँ मैं इधर से लेफ्ट लेता हूँ और ये मैंने छोड़ा अब हम जा रहे हैं आगे तो देखो स्पीड बढ़ रही है और लेन की बस इसका काम कर रहा है वो लेन को बराबर मेंटेन कर रहा है इधर ट्रक को भी बचा लिया इधर भी बचा लिया और लेन मेंटेन हो गई क्या बात है दिस इज सुपर एक्साइटिंग अब मैं इसको उधर ले लेता हूँ फास्ट लेन में इंडिकेटर के स्टीयरिंग को जाने नहीं देता हाँ अच्छा ये तो और अच्छा है इंडिकेटर देने की हमारी आदत है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है फीचर अगर मुझे जाना है तो विदाउट इंडिकेटर की स्टीयरिंग हाँ डांटता रहेगा फिर चलो ये अच्छा दे देती है स्टीयरिंग अब सामने चल रही है कार देखते हैं क्या हाल होता है यहाँ पे टर्निंग भी कर लेते हैं क्या हाँ कर लेगा छोड़ दो आप लाइट है छोड़ा नहीं है लाइट है छोड़ दो टर्निंग किया है उसने तभी तो टर्न हो रही है ओ ये मूव हो रहा है पूरा मूव होगा वो आप छोड़ दो सीमलेसली मेरी गारंटी पे गाड़ी तो आपकी है वैसे भी है और एयर बैग भी उसमें है भाई थोड़ा सा लग रहा है टेंशन लेकिन मैं छोड़ा हुआ है क्या बात है हल्का ब्रेकिंग भी किया कॉर्नर हो रही है गाड़ी एक इसका फीचर ये भी है कि अगर उसको लगता है कि कॉर्नर ज्यादा स्पीड में हो रही है तो वो खुद स्पीड डाउन करती है फिर कॉर्नरिंग के लिए सपोर्टिव स्पीड जितनी चाहिए उतनी रखेगी ओह माय गॉडनेस यार दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड यार इसीलिए इतना मजा आ रहा है बिल्कुल ब्रिलियंट 10/10 फॉर दिस अमेजिंग फीचर और जो सीमलेसली वर्क कर रहा है कोई लैग नहीं हो रहा है और रिलायबल मालूम पड़ रहा है आपको डराएगी भी नहीं एकदम प्रॉपर डरने नहीं दिया मेंटेन रखी मेंटेन रखा है और थोड़ा एक्शन उसका पहले स्टार्ट हो जाता है ये बहुत अच्छा लगा